मुझे अपना बिजनेस, मुझे जॉब, हर और चीज दे चुका है। जिस सिस्टर की बहुत ही अमेजिंग और बिग टेस्टामनी है, जिस सिस्टर का नाम जसबीर है और जो तुरकोट गांव मोगा के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही है जो बता रही कि 5 महीने से ये यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, और जिस सिस्टर ने बताया कि जब 25 दिसंबर के समय सबको मैसेज दिया गया था स्पेशल शीट के लिए, उस समय इनको भी मैसेज मिला था, और जिस सिस्टर ने बताया कि जब जो सिस्टर 24 दिसंबर के दिन यहाँ पर मीटिंग में आ गए, और जिस सिस्टर के पास सिर्फ 500 रुपया था, और जिस सिस्टर ने जब 500 रुपया दिया तो इनका मन काफी निराश था, क्योंकि जो परमेश्वर के लिए और भी करना चाहते थे पर इनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, और जिसके कारण जे काफी उदास हो गए। और जिस सिस्टर ने बताया कि मेरी चाहत है कि परमेश्वर मुझे जॉब दे ताकि मैं परमेश्वर के कामों के लिए और भी अपने मन को खोल सकूं। और जैसे इन्होंने प्रार्थना की, इन्होंने बताया कि जब 25 दिसंबर की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, उस समय भी इन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर इनको जॉब के साथ ब्लेस कर चुके। और जिस सिस्टर ने बताया कि सब आज से जिस सिस्टर ने बताया कि जो 2018 में पहले जो सिंगापुर में 2 साल इन्होंने जॉब की थी, और जब जे वापस आ गए तो उस समय लॉकडाउन के कारण जे दोबारा वापस नहीं जा सके, जिसके कारण इनकी चाहत थी कि परमेश्वर फिर से इनको सिंगापुर के लिए जे जाना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी फाइल को अप्लाई किया था पर कोई भी रिजल्ट नहीं था आ रहा। पर जैसे जे सिस्टर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे और जे पॉजिटिव विश्वास, नेगेटिव प्रेयर और विश्वास के बारे में इन्होंने सीखा, और जो विश्वास में बने रहे और धन्यवाद कर रहे थे। और जो सिस्टर ने बताया कि जैसे इन्होंने 23 जनवरी की मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड किया, और उस दिन इन्होंने बताया कि प्रभु के दास के मुख से इन्होंने प्रार्थना के विषय के बारे में सुन रहे थे, और जैसे ही प्रभु के दास के मुख से जब प्रभु के दास दुखियों बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और ब्लेसिंग वर्ड्स आया कि आपको परमेश्वर जॉब के साथ ब्लेस करे, तो जो सिस्टर ने बताया कि उस समय भी जो रिसीव कर रहे थे, और जैसे इन्होंने कुछ दिन बाद इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल किया और बताया कि मेरे पास जॉब थे, क्योंकि जे सिस्टर जॉब कर रहे थे जो कि इनकी जो सैलरी थी वो काफ़ी कम थी, और जे खुश नहीं थे, जे चाहते थे कि जो परमेश्वर के काम के लिए जो परमेश्वर को और भी देना चाहते थे। और जे सिस्टर ने बताया कि जो सिर्फ 5,000 रुपया था, क्योंकि जे सिस्टर ने बताया जब इन्होंने कॉल की और इनको उत्साहित किया गया कि आप चिंता ना करें, क्योंकि अगर आपने उस दिन मीटिंग को सुना है तो आपके लिए वर्ड आया था, बस आप प्रार्थना में बने रहे और धन्यवाद करें, निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके। तो जैसे जी प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना के विषय को लेकर अपने प्रार्थना में बने रहे, और जैसे सिस्टर ने बताया कि जब 30 जनवरी की मीटिंग के दिन फिर उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया और प्रभु के दास के मुख से ब्लेसिंग वर्ड्स है जॉब के लिए, सबसे पहले हम उस वर्ड्स को वीडियो क्लिप को देखते हैं। मुझे अपना बिजनेस, मुझे जॉब, हर और चीज दे चुका है। आमीन। और जैसे जो सिस्टर ने ऑनलाइन इस वर्ड को 30 जनवरी के दिन रिसीव किया, और जब बता रही कि जब इन्होंने अपनी फाइल को अप्लाई किया था सिंगापुर जाने के लिए, तो जैसे जो प्रार्थना में बने रहे रिसीव किया, तो 1 फरवरी को इनको रिजल्ट मिल गया और जिनका वीजा और इनकी टिकट आ गई, और अभी हम उस पिक को देखते हैं जिनके वीजा और टिकट है, और परमेश्वर ने इनके रास्ते को खोला और अभी जो सिंगापुर जाने के लिए परमेश्वर इनको ब्लेस कर दिया है। और जो सिस्टर 14 फरवरी को अपनी जॉब के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, इसको वही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते, और जो बहुत खुश है कि परमेश्वर ने इनको जॉब के साथ ब्लेस किया, जो तारीफ करते परमेश्वर की। आमीन। हालेलुया। कितने लोग इस ब्लेसिंग की गवाही से आप ब्लेस हो चुके हैं? हाँ, बस सुनो, मैंने कहा इस ब्लेसिंग की गवाही से आप भी ब्लेस हो चुके हो, पर एक चीज याद रखना, जो चीज इसने की अपने मन में सोचा खुदा के लिए, जब तक आप अपने मन को उस रीति से तैयार नहीं करोगे तो खुदा करेगा नहीं। अगर तैयार आपके अपने भी स्थिति से खुदा के लिए अपने मन को तैयार किया, तो मेरा विश्वास है आप जल्द गवाही से खड़े हो गए।
सुनो पहले, सुनो अभी, मेन चीज सुनो। जब जी हमने 25 दिसंबर हाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन हाँ के लिए कुछ अनाउंस किया कि आप क्या करो, अपना स्पेशल सीट खुदा के काम के लिए क्या करो, आप दे सकते हो, क्योंकि उस दिन क्या है, क्योंकि बहुत खर्च होता है, तो बहुत सारे लोग आगे तो आए क्या है, पर इसके पास इतना नहीं था कि ये दे सके। हाँ ये 25 को आए तो जरूर, मगर उतना नहीं दे सके, सिर्फ इन्होंने खुदा के उस काम के लिए सिर्फ 500 का ही अपना सीट बोया। पर ये चाहते थे कि परमेश्वर मैं तेरे लिए बहुत कुछ करना चाहती, मैं इतना नहीं, मैं बहुत तुझे देना चाहती। क्या देना चाहती हूं मैं तेरे कामों के लिए खुदावंद, मैं बहुत करना चाहती हूं, मगर मेरे पास है इतना नहीं है। बोले गए क्या नहीं है, मेरे पास इतना नहीं है, पर मुझे दे। और जैसे इन्होंने अपने मन को वैसे तैयार किया, जैसे कौन खुश होता है, जैसे हन्ना मांगती रही मांगती रही मांगती रही, परमेश्वर मुझे बेटा दे बेटा, और एक दिन मन तैयार किया, क्या किया, अगर तू मुझे देगा बेटा तो मैं वो भी तेरे भवन में दे दूंगी, तेरे काम के लिए दे दूंगी। अब सोचो कि अगर वो बेटा भी खुदा के काम के लिए दे दिया तो फिर फायदा क्या है लेने का, रस्ते कब खुलते हैं, क्योंकि हन्ना के लिए रास्ता खुला। फिर एक नहीं, उसके कितने बच्चे हो गए थे, पहले एक भी नहीं हो रहा था, बाद में कितने हो गए, जब किसके लिए मन तैयार किया, जब हम खुदा के लिए मन तैयार करते हैं परमेश्वर अपना स्वर्ग खोलता है। क्या करता है, अब वहां पे अभी बता रहे हैं यहां पे काम तो करें मगर उतने नहीं है। वहां पे आपकी कितनी सैलरी है, हाँ 40-45 हजार। अब बोलो क्या है, 40-45 हजार है ना। हाँ जी। अब क्या चाहते हो, खुदा ने आपके लिए ये रास्ता खोला है ना, अब क्या करना चाहते हो आप खुदा के? पापा जो भी जरूरत होगी चर्च दे ले, जिसे भी चीज दी, कोई भी चाह मतलब चाहिए होगी मैं जरूर करूंगा, मैं तैयार हूँ। पापा ही मेरी और चाह तो मैं चाहनी है मेरी लाख तो ऊपर सैलरी हो, कि मैं जिन्ना भी जिन्नी मेरी सैलरी हो मैं तो ज्यादा परमेश्वर नु देवा। तारीफ करो, हालेलुया। सुनो सुनो, ये नहीं है कि अगर उसने 5-40-45 हजार का इन्हें क्या कर दिया, उस योग्य बना दिया है, तो वो 1 लाख क्या वो उससे भी ज्यादा करने की ताकत रखता है। पर कब, जब कोई इंसान उसके लिए अपने मन को तैयार करता, क्या करता है, जैसे इन्होंने किया, क्या किया, कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं कि खुदावन मेरे भी रस्तों को खोल, मुझे भी ब्लेस कर, तेरे भवन के लिए, तेरी रूहों के लिए, तेरे कामों के लिए मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। बोलो क्या हूं, पर एक चीज सुनो, मैं एक चीज आपको जरूर बताता हूं, यीशु मसीह ने कहा जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में होगा, जो थोड़े में पहले सच्चा नहीं है वो बहुत में नहीं हो सकता। अगर आज आपके पास कम है मगर आप उस कम में नहीं दे पा रहे तो फिर ज्यादा कैसे दोगे। क्या कहा यीशु मसीह ने, जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में क्या होगा, जो थोड़े में नहीं दे रहा, जो सोच रहा है कि परमेश्वर जब मुझे ज्यादा देगा तब मैं दूंगा, ऐसे नहीं वो देता। बोलो क्या है, ऐसे नहीं वो देता, जब हमारे पास कम भी है तो हमने देना है, फिर ज्यादा कौन करेगा, ज्यादा भी कौन करेगा, और वो सबके लिए करेगा। मैंने कहा वो सबके लिए करेगा। ये हम एक सॉन्ग गाएंगे, मिन्नू खुशी मिन्नू यसु ने, कैसे है? गाते हैं ना, हर खुशी मिन्नू यसु ने दिखाई, हर खुशी में तो ये सुने बखाई, जो लोग ब्लेसिंग से खुशी भी लेना चाहते हैं, जो लोग अपनी ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं, खुशी में तो ये सुने बखाई, नाचते खुशी में चे अखे पर
घरे आइए। हरी खुशी मैनू यीशु ने बताई है, ऐसे खुशी विच अख पर आई है। हरी खुशी मैनू यीशु ने बताई है, ऐसे खुशी विच अख पर आई है। ओदे लोका विच देनी मैं गवाही है कि नचने नू दिल करदा। ओदे लोका विच देनी मैं गवाही है कि नचने नू दिल करदा। नचने नू दिल करदा, ओदे लोकां विच देनी मैं गवाही है। नचने नू दिल करदा, 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 नचने नू दिल करदा। किसने हमें बुला लिया है? अंधकोर से, हाँ, काली दुनिया से हमें किसने बुला लिया है? क्योंकि वो हमें ब्लेस करना चाहता है, हमें हर दुख से वो छुटकारा देना चाहता है। अगर आप तैयार हो तो, मैंने कहा वो तैयार है, मैंने कहा अगर आप तैयार हो तो वो तैयार है। तैयार हो आज से अपने मन को किसके लिए तैयार करने के लिए? फिर मैंने कहा वो तैयार है। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद सेम इसी रीति से आप ही अपनी गवाहियों से आ चुके। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस। पापा जी कुछ कहना चाहते? हाँ बताओ। पापा जी मेरे हस्बैंड भी यही चाहता, वो कहते अपने को इतना पैसा हो आप जगह ही खरीद ले गई। ठीक है, तो ये अकेले तैयार है इस भवन की जगह लेने के लिए। क्या आप साथ नहीं हो? कितने लोग साथ हैं कि हम भी इस भवन की जगह के लिए हम भी तैयार हैं? अगर ये अकेले तैयार हैं, अगर हम सब मिलकर करेंगे तो क्या खुदाबंद उस काम को पूरा करेगा? कितने का? सब तैयार हैं तो जल्द ये गुड न्यूज अब सुनने वाले यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।